हाई एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस माई नेम इज रोहित गर्चा अभिमन्यू आई एस इज अ प्लेटफॉर्म विच हज मोर देन ट्वेंटी थ्री ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन यू पी एस सी एंड वेरियस पी सी एस एग्जामिलीवर्ड मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड रिजल्टीन दिस इज टू दॉइट अ सीरीज जहाँ पे हम करंट अफेयर्स को प्रीलियम से कवर करते हैं वंसॉपिक इज डन इन टू द पॉइंट इट इज डन फॉर योर प्रीलियम्स आज का जो टू द पॉइंट हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज एस एस एल वी इंडिया ने अपनी पहली एस एस एल वी को लॉन्च किया है अभी रिसेंटली एस एस एल वी इज स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल पूरा उसके बारे में देखेंगे एंड इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर प्री एज वेल एज मेन्स सो देर इज अ कोर्स दैट इज रनिंग इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्म एंड प्री एंड मेन्स इसके अंदर जो है वो आपके दोनों कवर हो जाएंगे एंड यू हैव सेवन डे फ्री ट्रायल ऑल्सो आप जा सकते हैं आप ट्रायल लीजिए क्वालिटी चेक कीजिए है ना उसके बाद में आपको जो है ट्रस्ट होगा अदरवाइज मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शन स्पीक्स फॉर इट सेल्फ इज इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन चेक इट आउट मूविंग ऑन टू टूडेज टॉपिक दैट इज इंडिया फर्स्ट एस एस एल वी स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहां से किया है श्री हरिकोटा से किया है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार अगर डायरेक्टली आपसे पूछ लें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार वहीं से हुआ होगा कहीं हमसे खेल तो नहीं रहे हैं तो ये साथ साथ इसको याद करना ऐसे केसेस में बहुत सही रहता है चलिए थोड़ा देखते हैं अब ऑब्वियसली इसरो ने किया इसरो इसरोज लॉन्च फर्स्ट सेटेलाइट फ्रॉम श्रीहरिकोटा एस एस एलवी क्या चीज है इट इज अ कंफ्यूगर्ड थ्री सॉलिड स्टेजेस है ना ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्यों रहेगा अभी हम देखते हैं आने वाले टाइम में कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बनेंगे बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर व्हीकल्स जो इंडिया के और पी एस एलवी जीएसएल जो है उनसे ये डिफरेंट है तो बिकॉज उनसे ये इस पॉइंट पे डिफरेंट है तो यहाँ पे क्वेश्चन बनने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज़ इन रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स जब आप इसरो की वेबसाइट पर जाते हो तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इतनी सी इन्फॉर्मेशन इट इज़ आपको फर्स्ट ग्लांस में नहीं दिखेगी सो एज एन एस्पेरेंट दे एक्सपेक्ट यू कि आप इसको लाइंस के बीच में पढ़ो बट यू हैव दिस हैक कॉल्ड टू द पॉइंट जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स के लिए हम ये सब आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे बस एक छोटी सी स्टेटमेंट है इसको भी आप देख लो कि श्रीहरिकोटा क्या चीज है वो एक बैरियर आइलैंड है ऑफ द बे ऑफ बंगाल कोस्ट शार प्रोजेक्ट है सेटलमेंट पूरी वहां पे और तिरुपति डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और आंध्र प्रदेश में है शार प्रोजेक्ट सेटलमेंट के अंदर एक पार्ट है जहां से ये जो लॉन्च वगैरह होता है इसको आप जरूर एक बार देखना कि इसकी सेटलमेंट के अंदर जिस सतीश धवन स्पेस स्टेशन भी वहां पे है तो वहां पे क्या क्या है एक बार आप अपने लेवल पे जरूर देख लेना राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन हमारा जो टॉपिक है दैट इज फर्स्ट एस एस एल वी लेट्स है लुक यहाँ पे ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए जो मैंने है इसको यहाँ पे लगाया था इसकी जो ये एस एस एल वी की बात हो रही है इसकी जो हाइट है वो थर्टी फोर मीटर हालांकि आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट मैं एक डिफरेंस के लिए बता रहा हूं जो हमारा जो हमारा पी एस एल वी है जो हमारा पी एस एल वी है उसकी जो हाइट है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 44 मीटर्स तो एक तो ये स्मॉल का जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट डज इट मीन कि ये स्मॉल क्यों है पीएसएलवी का जो हमारे पास है दैट इज़ हाइट हमारी इट इज़ 44 मीटर्स इसमें नंबर ऑफ स्टेजेस है थ्री जो जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था थ्री विच वन सॉलिड स्टेजेस और हमारे पी एस वी में भी है फोर उसमें फोर होती है एंड लिफ्ट ऑफ मास वन ट्वेंटी टन ये हालांकि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है जस्ट Uh, क्योंकि uh, हम लोग साइंस एंथुजियास्ट हैं यहाँ पे सारे वी हैव साइंस का एक एक कीड़ा रहता है सबको और होना भी चाहिए बहुत नेचुरल चीज़ है एंड लॉस फॉलो करती है यार प्रिडिक्ट कर सकते हो आप चीज़ों को लिफ्ट ऑफ मास 120 ट्वेंटी टन एंड जो उसका है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 320 ट्वेंटी टन तो अब आपको स्मॉल का मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्या बात कर रहे हैं एंड अगेन पे लोड कैपेसिटी उसकी uh, uh, जहाँ तक मुझे याद है इट इज सत्रह हजार पचास से लेके लगभग छह हजार तक होती है उसकी कैपेसिटी इसकी कम कैपेसिटी है एंड टर्न अराउंड टाइम इसका 72 टू आवर्स है कि आप लॉन्च के बाद वापस टर्न अराउंड टाइम एंड जो दूसरे वाले का है उसका इट्स ओवर मोर देन सिक्सटी डेज देखिए अब इस पर्टिकुलर चीज से कितने सारी स्टेटमेंट्स बन सकती हैं कितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं नंबर ऑफ स्टेजेस के ऊपर बात हो सकती है हालांकि नंबर्स में बात नहीं होगी बट अब मैंने क्यों नंबर्स लिखे हैं जस्ट टू टेल यू कि वेट में जो है वो डिफरेंस कैसे है पेन रोड कैपेसिटी इसकी कम है कितना इसने बोला है दस से पांच सौ केजीज टू फाइव हंड्रेड किलोमीटर प्लेनर ऑर्बिट प्लेनर ऑर्बिट का मतलब ज्यादा कुछ खास नहीं है एक ऑर्बिट का प्लेन बनता है जैसे कि अगर अर्थ यहां पर है और इसको ये रोटेट कर रहे हैं एक डिस्क फॉर्म होगी तो वो जो एक प्लेन होता है उसको प्लेनर ऑर्बिट कहा जाता है एक प्लेन जो फॉर्म होता है इट इज ये ज्यादा टेक्निकल टर्म नहीं है इट इज सिंपल इनफ अभी हम आगे चलते हैं इसके बारे में और जानते हैं ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना छोटा है हल्का है नंबर ऑफ स्टेजेस थ्री है लिफ्ट ऑफ मास भी कम है पेलोड कैपेसिटी भी कम है और पेलोड कैपेसिटी कितनी है पांच किलो तक ही है अगर हम कंपेरिजन की बात करें तो इससे कुछ स्टेटमेंट बन सकती है व्हीकल ने क्या क्या कैरी किया था एस एस एलवी अब व्हीकल जब जाती है बेसिकली व्हीकल का मतलब है जैसे आपकी गाड़ी है गाड़ी आपको कहीं से कहीं पहुंचाती है तो ये एस एस एल वी इज इसके अंदर जो बैठे हुए हैं वो होती है इसके पे लोड्स इसने क्या कैरी किया था इसने अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट नेम ई ओ एस जीरो टू एस के फुल फॉर्म यही है इनफैक्ट आप कहीं पे भी जब EOS एस पढ़ो तो इसका मतलब यही होता है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सेटेलाइट अगर आप आर एस पढ़ते हो दैट इज रिमोट सेंसिंग और इस टाइप की चीजें आपको ध्यान में रखनी है एंड अ को पैसेंजर सेटेलाइट विच इज कॉल्ड आजादी सेट आज़ादी के 75 वर्ष आप सबको भी मुबारक हो और सेटेलाइट जो है वो भी लॉन्च कर दी गई है इसके नाम पे कहाँ पे की है इन टू लोअ अर्थ ऑर्बिट वो हमने लास्ट में देखा था कि इसका जो है टू पांच सौ किलोमीटर लिखा हुआ है प्लेनर ऑर्बिट विच इज एसेंशियली लोअ अर्थ ऑर्बिट आई एस एस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वो कहाँ पे होता है किस ऑर्बिट में दैट इज ऑल्सो इन अर्थ ऑर्बिट लगभग लगभग 420 किलोमीटर के हाइट पे वो है और ये भी ऑर्बिट में जाता है अब चलते हैं थोड़ा सा आगे एस एस के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग देखो थोड़े टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं मिनी माइक्रो और नैनो सैटेलाइट जिसका वजन है 10 से 500 किलो टू 500 किलोमीटर प्लेनर ऑर्बिट सिंपल इनफ एक बार ये देख लेते हैं हम कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट कि किस टाइप की होती है मिनी को बोला जात मिनी मिनी जो है दैट इज लेस देन 500 केजीस हाफ टन से कम को मिनी 100 किलो से कम को माइक्रो 10 केजी से कम को नैनो है ना उसके बाद पीको और फेमटो भी आ रहा है फेमटो सबसे छोटा है फेमटो को बहुत मतलब हल्के वेट की सेट नैनो सैटेलाइट नैनो से भी कम एसएसएलवी डी1 मिशन इसके जो मिशन का नाम था दैट वाज एसएसएलवी डी1 मिशन वाज सपोज्ड टू लॉन्च ईओआई 02 और इनटू लो अर्थ ऑर्बिट ये इंपॉर्टेंट नहीं है जाने देते हैं इसको अब चलते हैं यहां पे आजादी सेट, जिसकी हम बात कर रहे थे अगेन यहां पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा जो हम पिछले कुछ टाइम से देखते आ रहे हैं बिकॉज़ आजादी का आजादी के 75 वर्ष तो 75 की जो थीम है वो आपको अक्सर कई सारी चीजों में देखने को मिलेगी एजुकेशन के अंदर भी हमने 75 750 डिस्ट्रिक्ट्स और uh, 750 इस टाइप की चीजों को हमने कवर किया है आई थिंक नॉट 750 750 बट स्कूल्स uh, की बात हुई थी वहां पे आजादी सेट इज एट यू क्यूब सेट वेइंग अराउंड एट केजीज एट यू एट यू का मतलब होता है एट यूनिट क्यूब सेट की क्यूब की फॉर्म में आठ जो उसके अंदर होते हैं इसको मैं दिखाता हूं अभी आपको एट एक्सपेरिमेंट्स का अगर आप बहुत आसान शब्दों में हम इसको समझना चाहें तो इसका मतलब होता है कि वैक्यूम ट्यूब्स के अंदर हम कुछ जो पार्टिकल्स वहां पे कैच करते हैं लाइट बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके साथ कि एक लेजर उसके अंदर जो है प्रोजेक्ट की जाती है उसके बाद वॉट इट रिलीज उसको हम डिटेक्ट करते हैं सम वॉट रिलेटेड टू दैट तो ये फेम टू एक्सपेरिमेंट कुछ उस टाइप उसको बोला बोला जाता है अभी हम चलते हैं ए टू एट यूनिट का क्या मतलब है सी दिस इज हाउ इट लुक्स जो आपकी वेबसाइट है अगेन ये आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट वंस यू सी इट तो एक चीज को फिजिकल टच मिल जाता है योर ब्रेन इज मोर हैप्पी काइंड ऑफ थिंग्स और आपको याद रहता है बाद में कि अच्छा ए यू था तो जो मैं बता रहा था वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर जो आपके एट कंपार्टमेंट्स हैं इसके अंदर में आपके जो कंपोनेंट्स uh, हैं जो कि लॉन्च होंगे फर्दर वो इसके अंदर जाते हैं दिस इज हाउ इट लुक्स मतलब जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो ऐसे है कि ये वन यूनिट है देखो हाफ है ऊपर टू यूनिट थ्री यूनिट ऐसे और जो दिस वन इज एट यूनिट आजादी सेट की बात हो रही है और आजादी सेट uh, के ऊपर थोड़ी सी और चर्चा करते हैं कि आजादी सेट वॉज बिल्ड बाई स्कूल गर्ल्स ऑफ लो इनकम ग्रुप हमने लो इनकम ग्रुप को पिछली वीडियो में डिस्कस किया था जो आई थिंक पी एम ए वाई प्रधानमंत्री आवास योजना की वीडियो है आप उसको जाके देख सकते हैं आपको इसी प्लेलिस्ट में ऊपर नीचे कहीं मिल जाएगी वहां पे हमने इस पूरे टर्म को डिटेल में डिस्कस किया था कि लो इनकम ग्रुप किनको कहा जाता है एम आई जी वन एम आई जी टू ई डब्ल्यू एस है ना ये सब अलग अलग है तो इनकी जो इनकम स्केल्स है वो कितनी है डू चेकआउट दैट वीडियो ऑल्सो पी एम ए वाई अर्बन की वो वीडियो थी वो

तो आ नहीं थार्ल्स तो ये जो आजादी सेट है ये स्टूडेंट के थ्रू अब देखो इससे होगा क्या आप इमेजिन करो कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके स्कूल टाइम में आई हो कि अगर आपको एक सेटेलाइट जो एक्चुअली स्पेस में जाएगी उसके बाद में तो यार करियर रिजेक्टरी चेंज हो जाएगी बंदा अलग लेवल पे ही जो है वो पैशनेट हो जाएगा अबाउट साइंस एंड ऑल सो इस टाइप की चीजें

इसके बारे में आप एक बार जरूर रिसर्च करना मेरा मन था कि मैं इसी वीडियो में इस चीज को कवर कर दूं बट इट विल बी मोर बेनिफिशियल अगर आप लोग इसको जाएंगे और उसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज वहां से उठा के लाने वाला कुछ मेरे पास डाटा मुझे रेलिवेंट नहीं लगा है बेसिकली तो आप एक बार जरूर जाइए जस्ट देख लीजिए कि क्या चीज है उसकी ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर काम कर रही है सब छोटी मोटी चीजें आप देख लीजिए आपका फायदा होगा लेट्स मूव ऑन टू हमारा जो आज का प्रीलिम क्वेश्चन बनेगा इफ यू वांट टू अटेम्प्ट इट आप आप देख लीजिए एक बार पॉज करके कर कर वीडियो आई एम मूविंग ऑन विद दिस आजादी सेट वाज लॉन्च्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजीनस व्हीकल्स अब ये क्योंकि आपको पता है हम तो पूरे उसमें बात कर रहे हैं कि हमको पता है इसका आंसर एस एसएलवी है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बट ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो बहुत हाईली लग answer. Answer Again, after, uh, topic, तो आपको ये इजी लग रहा होगा अदरवाइज इट इज मॉडरेट क्वेश्चन आई वुड रेट इट मॉडरेट क्वेश्चन अगर आपने इसके बारे में ढंग से डिटेल में नहीं पढ़ाया हो सकता एस एस एल वी पता हो सेट ना पढ़ा हो ये वाला आजादी सेट पढ़ाओ किसी मैगजीन में उड़ता उड़ता आगे किसी दोस्त ने जिक्र कर दिया तो ये मिस हो जाता है कि आपको ये चीज बहुत ध्यान से लिख, देखनी होती है कि करेक्ट पूछा इनकरेक्ट है आई वुड सजेस्ट कि आपके पास पेन तो होता ही है पेपर में जस्ट सर्कल इट कि इसने करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट है ताकि आप बेकार वाली मिस्टेक मत करो कि करेक्ट पूछा था यार मैं तो इनकरेक्ट बताया हालांकि करेक्ट से इनकरेक्ट नहीं बताता है बंदा लेकिन इनकरेक्ट से करेक्ट बहुत बारी बता के आता है और हमेशा ऑप्शन में आपको मिल जाएगा एक वैसा ऑप्शन जिसमें इनकरेक्ट वाला करेक्ट होगा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एस एस एल वी इज अगेन आप प्लीज अटेम्प्ट कीजिए इसको एक बार पॉज कीजिए आई एम मूविंग ऑन विद दिस एस एस एल वी इज अ फोर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन टाइप व्हीकल एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं उसके बाद में देखते हैं इट टू एच ई ओ हाई अर्थ ऑर्बिट आजादी सेट वॉज लॉन्च यूजिंग एस एस एलवी एस एस जो हमने पहले वाली स्लाइड देखी थी कितना था उसका टर्न अराउंड टाइम एक बार हम चेक कर लेते हैं उसका टर्न अराउंड टाइम कितना था इट वॉज से टू आवर्स बहत्तर घंटे के अंदर अंदर उसका टर्न अराउंड टाइम है तो हमारी स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन तो SSLV तभी तो, तो हम पढ़ रहे हैं इसको अभी पूरे टॉपिक में ही देखा है दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इट इज यूज टू लॉन्च हैवी सेटेलाइट टू हाई अर्थ ऑर्बिट ये तो यार दोनों ही ये तो फिर यार गुस्सा दिलाने वाली स्टेटमेंट होगी है ना कि आप इसको टू स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज यूज टू लॉन्च हैवी टू हाई अर्थ ऑर्बिट इट इज नॉट मेकिंग सेंस तो अगर आपको फुल फॉर्म पता तब भी ये जो क्वेश्चन uh, है ये जो स्टेटमेंट है ये एलिमिनेट की जा सकती है थोड़ा सी थोड़ी सी हिम्मत लगेगी वहां पे इन केस यू फॉरगेट अगर सिर्फ वो भी याद है सिर्फ आपको इसकी फुल uh, फॉर्म भी याद है तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं इज अ फोर स्टेज क्रायोजेनिक फोर स्टेज क्रायोजेनिक इंजन टाइप व्हीकल देखो फोर स्टेज तो नहीं है ये हमने देख लिया फिर भी अगर आप इसको भूल जाओ कि यार फोर स्टेज था थ्री स्टेज था क्योंकि ये नंबर्स थोड़े से हो जाते हैं इतना सब कुछ याद करने वाला होता है हिस्ट्री की की यू नो आपकी दिमाग में है 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 सब कुछ है, इस टाइप चीज़ हो जाती स्किप लेकिन स्मॉल लॉन्च व्हीकल है और जो क्रायोजेनिक इंजन है वो हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए होता है तो ये दो पार्ट्स पे गलत है क्रायोजेनिक भी नहीं है ये फोर स्टेज भी नहीं है दैट मीन दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग तो हमसे क्या पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट विच बिकम्स थ्री ओनली सो दिस वॉज टूडेज टॉपिक मेरे हिसाब से इसमें बहुत पोटेंशियल है आने का कि आपके एग्जाम में ये वाला टॉपिक जो है वो आ सकता है ऑल्सो इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर्स होलिस्टिकली आई हैव टोल्ड यू दैट आप चेक कर सकते लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू हैव अ सेवन डेज फ्री ट्रायल ऑल्सो सात दिन का आपका फ्री ट्रायल आपको मिलेगा उसमें गो एंड चेक इट आउट और क्वालिटी वहाँ पे देखिए आप आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसको अटेम्प्ट किया जा रहा है पूरे करंट अफेयर्स को एक नए मेथड से एक नई मैथडोलॉजी से और नए तरीके से आपको दिया जा रहा है बहुत फिल्टर्ड कंटेंट क्योंकि करंट अफेयर्स के अंदर मेनली करंट अफेयर्स को सेलेक्ट करना काम नहीं होता है करंट अफेयर्स को रिजेक्ट करना इज़ अ मेजर टास्क क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी लग रहा है इंपॉर्टेंट ये मैगजीन खोली ये भी लग रहा है इंपॉर्टेंट वो भी लग रहा है एक एक्सपर्ट आई के थ्रू ये सारे करंट अफेयर्स निकलते हैं कि किसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है बनाया जा सकता है एंड आफ्टर दैट दैट लेक्चर इज प्रिपेयर और आपको बहुत ही क्यूरेटेड फॉर्म में इट इज गिवन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई नेम इज़ रोहित गर्चा